वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। आने वाले 11 सितंबर को अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमले को 21 साल पूरे हो जाएंगे। इस हमले में मारे गए लोगों की संख्या आपको बहुत हैरान कर सकती है, और ये संख्या ही है जो 9/11 आतंकी हमले के दर्द को हर साल ताजा कर जाती है। अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक किए और दुनिया की सबसे बड़ी इमारत वर्ल्ड ट्रेड टावर से 2 विमानों को भिड़ा दिया। एक विमान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया। लोग इस हमले को लेकर कुछ समझ पाते इससे पहले ही दूसरे विमान ने टावर के दक्षिणी हिस्से से टकराते हुए विस्फोट कर दिया। टावर से विमान टकराते ही वर्ल्ड ट्रेड टावर आग के गोले में बदल गया, धुएं का गुब्बार बन गया। चंद घंटों के अंदर लोगों को पता चल गया कि ये बड़ा आतंकी हमला। लोगों की चीख पुकार मच गई और हर तरफ अफरा तफरी देखी गई। 11 सितंबर 2001 की सुबह जब हुई तो उसने पूरी दुनिया को दहशत मिला दिया। 11 सितंबर की सुबह लोग दफ्तरों के लिए तैयार हो रहे थे, लगभग निकल चुके थे। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड टावर में रोज की तरह 18,000 कर्मचारी अपने काम के लिए रवाना हुए। अचानक से 8:46 पर पूरी बिल्डिंग थर्रा उठी। दुनिया का सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका में घुसकर आतंकियों ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाया। 19 आतंकियों ने अमेरिका में घुसकर विमान हाईजैक किए और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोल दिया। अपराध और तबाही की भूख इतने में शांत नहीं हुई। आतंकी यहीं नहीं रुके। दोनों टावर्स पर हमले के बाद तकरीबन 9:47 पर आतंकियों ने वॉशिंगटन के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन पर हमला कर दिया। अलकायदा के आतंकियों ने पेंटागन के हिस्से से टकराकर उसे गिरा दिया। इसके बाद चौथे विमान ने सेंट पीटर्सबर्ग हवाई अड्डे पर हमला किया। कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले में 3,000 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में मारे गए लोगों में 90 देशों के लोग शामिल थे। हमले की जांच के दौरान पता चला कि अलकायदा के आतंकियों के हमले का निशाना व्हाइट हाउस भी था। हमले का मास्टरमाइंड अलकायदा का आतंकी खालिद शेख मोहम्मद था। हमले की प्लानिंग उसने ही की थी, लेकिन पूरी निगरानी ओसामा बिन लादेन की थी। इस बड़े हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था। हालांकि साल 2011 में अमेरिका ने अलकायदा के मुखिया ओसामा बिन लादेन को खोजकर पाकिस्तान के एबटाबाद में मार गिराया। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अमेरिका की शान समझा जाता रहा, और उस शान को उस वक्त आतंकियों ने 2 विमानों को मिसाइल की तरह इस्तेमाल करके पल भर में खाक में मिला दिया। 11 सितंबर 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुआ ये आतंकी हमला अलकायदा द्वारा अंजाम तक पहुंचाए गए आत्मघाती हमलों की एक पूरी श्रृंखला थी। कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।